प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में अगर आपके गले में जलन होती है, सीने में जलन हो रही है या बहुत ज़्यादा उल्टी मतली हो रही है, तो ये किसकी तरफ इशारा करता है? क्या आप इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स की, कुछ ऐसे बदलाव की जो कि दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में आपको अपने शरीर में दिखना शुरू हो जाता है। और ये कुछ खास सिम्टम होते हैं जो काफ़ी हद तक सटीक सटीक आपको अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। वैसे तो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में 100% जानने का एक ही सटीक तरीका होता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे देश में अल्ट्रासाउंड कराना बैन है। अगर आप लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार बहुत ही खास बदलाव की, जिससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे। अनुमान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 100% सटीक तरीका तो नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपको मदद कर देता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के अनुभव से लिया गया है। जब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं था या अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी, उस टाइम में सिर्फ आपके अंदर आए हुए इन बदलावों को देख के जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, जो दाई माँ वगैरह होती थी, वो बता देती थी। तो आज हम उन्हीं लक्षणों की बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और बहुत ही खास सिम्टम की मैं बात करूंगी, वो आपको स्टार्टिंग के महीनों में ही दिखना शुरू हो जाता है, और बात करूं दूसरे तिमाही की तो ये आपको काफ़ी हद तक कंफर्म कर देता है, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस। देखिए, मॉर्निंग सिकनेस जो होता है ना, वो आपको जैसे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम, जैसे आपको उल्टी आना, मतली आना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, इस टाइप की जो सिम्टम्स होते हैं उसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। अच्छा, मैं एक बात पहले ही बता दूँ, देखिए जब घर में बेटा हो या बेटी हो, स्टार्टिंग के 3 महीने में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। अक्सर आप लोग कमेंट करते हो दूसरा महीना चल रहा है मैम क्या होगा, तो देखिए शुरू के 3 महीने में लिंग नहीं बना होता है, अल्ट्रासाउंड भी कंफर्म नहीं करता है कि बच्चे का लिंग क्या है। 4वें, 5वें, 6वें महीने में जैसे जैसे महीना आपका कंप्लीट होता है, वैसे वैसे चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ में, स्पेशली 3 महीनों में आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। घर में बेटा हो या बेटी हो, बॉडी को काम करना ही पड़ता है, बच्चे को ग्रोथ कराना ही पड़ता है, तो आपके सारे ऑर्गन्स को दोगुना या त्रिगुना मेहनत करना पड़ता है। और जब शरीर आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा तो थकान होना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान सुबह सुबह बेड से उठने का मन नहीं होता, नींद ही पूरी नहीं होती है। तो इन्हीं सारे सिम्टम्स की मैं बात करूँगी, स्टार्टिंग के 3 महीने में ये दिक्कतें रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि अगर स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रही है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुआ है, बहुत ज़्यादा उल्टी मतली की समस्या रही है, और ये सिम्टम्स जो हैं वो 4वें, 5वें, 6वें महीने में भी कंटिन्यू हैं, ये समस्याएँ आपको लगातार बनी हुई हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हो सुबह बेड से उठने के बाद, जब आप अपने रूटीन में आ जाते हैं और उस टाइम पे आपको अच्छा फील होता है, उठने के बाद आप रिफ्रेश फील करते हैं, नींद अच्छे से पूरी हो रही है, एनर्जी से भरपूर महसूस कर रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से पहला सिम्टम मॉर्निंग सिकनेस से बिल्कुल आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं दूसरे बदलाव की, ये भी आपको दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में अंतर दिखेगा। देखिए, जब बॉडी आपकी तैयार हो रही होती है माँ बनने के लिए, तो आपके शरीर के अलग अलग अंगों में अंतर आता है। उसमें से एक बहुत ही खास अंतर आता है आपके स्तन में, यानी ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट में आपने देखा होगा प्रेगनेंसी जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते आपका साइज अप होता है, क्योंकि आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है बच्चे को फिट कराने के लिए, तो आपका 1, 2, 3 साइज अप हो सकता है। तो आपको अपने दोनों ब्रेस्ट का कंपेयर करना है, दोनों स्तन का साइज तो दोनों का ही बड़ा है, दोनों से ही आपको फिट कराना होता है। दोनों में देखिए, लिंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपके दोनों स्तन के साइज में आपको अंतर दिख रहा है, साइज में अंतर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, जी नहीं,
एक या दो साइज ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपका दाहिना यानी राइट हैंड साइड वाला जो स्तन है, ब्रेस्ट है, वो आपके बाएं स्तन से बड़ा है साइज में, चाहे वो एक ही साइज रखो, आप जब खुद को देखेंगे ना तो समझ में आएगा। तो अगर दाहिना स्तन आपके बाएं स्तन से थोड़ा सा बड़ा है, बायां वाला छोटा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बायां स्तन आपके दाहिने से बड़ा है साइज में, उसका थोड़ा सा अप है, तो कहते हैं ये एक की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से अभी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, ये भी बहुत ही खास सिम्टम है, वो होता है आपके सोने का तरीका। सोने का पैटर्न देख के भी आप जान सकते हैं। देखिए, सोने का पैटर्न इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही करवट सोएंगे, क्योंकि 9 महीने की प्रेगनेंसी है, काफ़ी लंबी जर्नी होती है, तो किसी एक करवट तो आप नहीं सो सकते हो। आप हो सकता है पीठ के बगल भी सोएंगे, दाहिने बाएं दोनों साइड सोएंगे, लेकिन एक पोजीशन ऐसा होता है, एक बगल आप ऐसा सोते हैं जिससे आपकी नींद पूरी होती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, जिससे आप रिफ़्रेश फील करते हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि दाहिना करवट या बाएं करवट, कोई एक करवट लेके आप बहुत अच्छे से आपकी नींद पूरी हो रही है, आप रिफ्रेश हो जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो पीठ के बगल सोना अच्छा लगता है प्रेगनेंसी के दौरान, स्टार्टिंग के मंथ्स में, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि पीठ के बगल बहुत देर तक आपको नहीं सोना चाहिए। 2-4-10 मिनट आप सो रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर बहुत देर तक आप सोते हैं तो आपके बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा, जिससे उसका ब्रेन का विकास या फिर शरीर का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो बहुत देर तक पीठ के बगल सोने को अवॉइड करिए। अब हम बात करते हैं दाहिने या बाएं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आप बाएं करवट लेके सोते हैं, और बाएं करवट सोना आइडियल भी माना जाता है, अगर आप बाएं करवट सोते हैं तो रक्त संचार अच्छा होगा, ऑक्सीजन बच्चे तक अच्छे से पहुंचेगा और बच्चे का विकास अच्छे से होगा। तो अगर आप बाएं करवट लेके ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, रिफ्रेश फील करते हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप दाहिने करवट सो के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, नींद आपकी पूरी हो जाती है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो दाएं करवट या बाएं, इससे भी आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है एक बहुत ही खास सिम्टम, सिर दर्द। जी हाँ, सिर दर्द की समस्या अक्सर आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान, आपको नए नए लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल नया नया बदलाव, नए नए चेंजेस आपके अंदर आते हैं। उनमें से ही एक बदलाव होता है सिर दर्द। प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कुछ औरतें बोलती हैं कि यार मुझे सिर में दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो क्या हम इससे भी पता कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको सिर दर्द की समस्या बनी हुई मतलब ये नहीं कि 9 महीने तक लगातार आपको सिर में दर्द रहेगा, जी नहीं, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, जैसे हर थोड़ी थोड़ी दिन पे आपको सिर में दर्द रहता है। आप प्रेगनेंसी से पहले इस टाइप की समस्या नहीं थी आपके साथ, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ये समस्या बनी हुई है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप पहले जैसे हो, या कभी कभार, ऐसा नहीं कहूँगी वहीं 2 महीने में एक आध बार अगर आपके साथ ये समस्या है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करिए, क्योंकि कई बार सिर दर्द जो होता है तनाव से, बहुत ज़्यादा आपने सोच लिया है, घर में कोई टेंशन है, या कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो या फिर आपकी नींद नहीं पूरी हुई है, तो भी सिर दर्द की समस्या हो जाती है। तो कभी कभार अगर ऐसा हो रहा है तो इसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपके साथ ज़्यादा ही सिर में दर्द की समस्या है, तो ये बिल्कुल एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की 4 खास बदलावों की, और जिससे आप बिल्कुल काफ़ी हद तक सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।